नमस्कार दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट के बीच का झगड़ा सोमवार शाम को फिर उजागर हो गया। घटना अजमेर के पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन के दौरान आयोजित सभा की है। गहलोत समर्थक खेल मंत्री अशोक चांदना जैसे ही भाषण देने मंच पर पहुंचे, पायलट समर्थकों ने जूते बोतलें फेंक कर विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दोस्तों इस घटना के बाद मंत्री अशोक चांदना भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पर धमकी भरे अंदाज में लिखा, मुझ पर जूते फिकवा कर सचिन पायलट, यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूँ। दोस्तों सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे शुरुआत से ही लगने शुरू हो गए थे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भाषण देने आई तो विरोध शुरू हो गया। उन्होंने करौली में कर्नल बैसला के नाम पर कॉलेज खोलने की घोषणा की। समर्थकों ने उनको भाषण नहीं देने दिया। पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए, फिर भी रावत ने भाषण दिया। इसके बाद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भाषण देने के लिए आए तो समर्थकों ने जूते व अन्य सामान फेंक कर हंगामा खड़ा कर दिया। वे फिर से पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस व अन्य लोगों ने समर्थकों को शांत किया। चांदना को भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लगातार ट्विटर पर नाराजगी जताई है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।